अभी जो इनको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। भाई साहब हो चुके हैं 3 घंटे बिना कोई लिफ्ट के। हेलो माय नेम इज जेन्या, आई ट्रैवल रशिया। ये है आज का हमारा डिनर, वो भी है भाई साहब की तरफ से। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई सुबह में, और आज मैं हूँ व्लादिमीर में। अब व्लादिमीर से सफ़र की शुरुआत करने जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ आज सोच रहा हूँ कि कजान चला जाता हूँ, जो कि है 600 किलोमीटर यहाँ से। बट पता नहीं कितनी लंबी लिफ्ट मिलने वाली है, क्योंकि कभी कभी तो मिल जाती है बहुत लंबी दूरी की। तो यदि आज लग अच्छा हुआ, आज लंबी दूरी की लिफ्ट मिल जाती है, तो आज सीधे मिलते हैं चल के कजान में। और कजान में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो चलेंगे वहाँ पे, देखेंगे चल के कजान में। तो अभी तो फ़िलहाल यही है कि अभी पहली लिफ्ट पकड़ के किसी भी तरीके से सबसे पहले नोवगोरोड पहुँचा जाए, और नोवगोरोड से फिर वहाँ से कजान। तो आज का सफ़र एक बार फिर से इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और करते हैं हिच हाइकिंग जैसा कि करते आ रहे हैं। बट छोटे शहरों में जो हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ की एक ख़ास बात बताता हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट तो आते नहीं हैं, या होटल्स या हॉस्टल्स। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो हॉस्टल्स का है, तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर ना लोग का जो ट्रीटमेंट होता है, जो वहाँ के मैनेजर्स या जो वहाँ पर रिसेप्शन पर जो लोग रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। They treat you like you are his family. So जिनके साथ जहाँ मैं कल रुका हुआ था, वो मतलब हर बात के लिए पूछ रहे हैं, कहीं इसकी समस्या नहीं, कहीं इसकी समस्या नहीं, खाया कि नहीं खाया, कुछ किया कि नहीं किया। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तो फाइनली मैंने ढूंढ ली है जगह हिच हाइकिंग करने के लिए, और मुझे लग रहा है ये जगह बेस्ट रहेगी यहाँ पर हिच हाइकिंग करने के लिए। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं पहले व्हीकल से, देखते हैं कौन रुकता है। तो जो है अभी 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से कोई लिफ्ट नहीं मिली है, तो मैंने सोचा कि अब जगह बदल के देखा जाए। तो मैं जा रहा हूँ, एक छोटा सा कस्बा था उसको क्रॉस किया है करीबन 1.5 किलोमीटर का, और ये हम पहुंच गए हैं, कोई रिवर है इधर। अब ये रिवर क्रॉस करके देखते हैं सही स्पॉट देख के, जहाँ पर अगर गाड़ी वाला रुकना चाहे तो रुक सके। कई जगह ना इस तरीके के वो लगा के रखते हैं, तो बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर कोई गाड़ी पार्क करना चाहे, रोकना चाहे, तो नहीं कर सकता। तो इन सब का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप लिफ्ट मांग रहे हो, हिच हाइकिंग कर रहा हो, तो मेक श्योर कि जो है जहाँ पे भी ले रहे हो वहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, ताकि अगर कोई गाड़ी वाला रुकना चाहे तो रुक तो सके। पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, बट यार सही है, इसने पेपर मांगे, इनने पेपर दिखाए, मुश्किल से 2 मिनट लगे, 2 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट लगा हुआ, पेपर देखे, ये लो जॉब। ये नहीं कि अब तो कुछ ढूंढते हैं, अब तो बस सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसा ढूंढो कि ताकि तो फाइन भरना ही पड़े, ऐसा कुछ नहीं, बस छोड़ दिया। ये देखो कितना सही है ना, ईजी सा
मैं पहुंच गया हूं एक कोई छोटा सा कस्बा है यहीं पे पास में, वहां पहुंच गया हूं। और अभी बचा है नोवगोरोड, करीबन 100 किलोमीटर और 115 किलोमीटर के आसपास। और हमने जो है इस 100 किलोमीटर की 125 किलोमीटर की दूरी अभी तक पूरी करी है 2 बजे तक। और 2 बजे का मतलब है कम से कम 9 बजे से कर रहा हूँ, 5 घंटे लग गए 125 किलोमीटर में। लेट्स सी आगे के 110 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हो चुके हैं 3 घंटे बिना कोई लिफ्ट के और धूप हो रही बहुत तेज, टेम्परेचर हो चुका है 28 और अब तो दिमाग का पारा भी लग रहा है 42। बट हिट एंड ट्रायल, ट्राई करते रहो, कोई ना कोई तो रुकेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फाइनली जो है चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट इसलिए है कि मैं तो सोच रहा था नोवगोरोड जाने का, बट मुझे जो है कजान तक की लिफ्ट मिल गई है। जैसा कि मैं सोच रहा था कि आज मैं कजान जाऊँगा, सुबह मैंने बोला भी था, बट फाइनली। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि अनहोपफुल हो गया था, मतलब होप नहीं रह गई थी कि अब मैं कजान पहुँचूँगा। बट फाइनली जो है 4 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद में जो है भाई साहब मिले हैं, जो उससे भी कहीं आगे जा रहे हैं। ये तो जा रहे हैं करीबन 700 किलोमीटर यहाँ से जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से। और जो है आई मे मेक वीडियोस, हाय हाय, माय नेम इज जेन्या। इनका नाम जो है वो जेने है। तो ये अपना कहते हैं कि हम ट्रैवल करते रहते हैं। आई एम फ्रॉम रशिया, माय सिटी Нижнекамск. Нижнекамск. Нижнекамск, my city. Нижнекамск. बता रहे सर, अरे यार बड़ा इनका जो हूँ शुक्रगुजार हूँ कि ये मिल गए। मैं तो बड़ा ही परेशान हो गया था कि अब नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे यहीं कहीं रुकना पड़ेगा और रात मेरी अब कैसे गुजरने वाली है। थोड़ा मैंने इनको बता दिया था कि मैं यहाँ 4 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो ये समझ रहे हैं धीरे धीरे कि मैं कुछ ऐसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बट थैंक्स टू जेने, थैंक्स स्पेसिवा नो, यस। तो फाइनली जो है अब सफ़र मेरा अच्छा कटने वाला है और एसी भी लगा रखी है, तो एसी में भी पहली बार किसी अच्छी गाड़ी में बैठने का मौका मिला यहाँ पे। और ट्रक वाला तो कोई भी नहीं रोकने को तैयार था, पता नहीं क्यों, मतलब नहीं रोकते हैं बट नहीं रोक रहे थे। चलो भाई, यू ट्रैवल, आई ट्रैवल, फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये भी घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ, तो कह रहे हैं हम दोनों दोस्त हुए। सही बात है, और क्या, दोस्त इन हिंदी, दोस्त फ्रेंड, दोस्त दोस्त दोस्त। रशिया में जो है वो जो लैंडस्केप्स है ना वो बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी महीना चल रहा है जुलाई का, जुलाई के महीने में यहाँ हो रखा है गेहूँ की खेती है। इधर से दिख पा रही होगी, इधर तो नहीं भाई, इस साइड हो रखी है, अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो इस साइड दिख रही है। तो जो है इनके यहाँ पे जो गेहूँ होता है वो जुलाई में होता है, जैसे अपने यहाँ मार्च और अप्रैल में हो जाता है, अप्रैल में कटने लगता है। ज़्यादा मुझे लगता है कि तो ये मुझे लगता है यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो है अभी सूट करता होगा, क्योंकि गेहूँ तो गर्मियों में होता है, इनके यहाँ गर्मी का जो टाइम होता है वो यही होता है। उसके बाद अगस्त के बाद से फिर इनके यहाँ ठंड शुरू हो जाती है, तो अभी जो है इसीलिए इनके यहाँ पे जो है गेहूँ की खेती हो रखी है। देखो इस तरफ दिखेगा ये जो खेती है, ये सारी की सारी जो है गेहूँ की खेती है, ये सारा का सारा गेहूँ लगा रखा है इन लोगों ने और ये पक गया पूरा, अब बस इसे काटने की देरी है। हेलो, my name is Zhenya, I travel Russia, I from
Norilsk. You travel and I travel. I travel, yeah. We friends. Be friends, yeah, be friends. मैं ये जो वीडियो बनाया है, ये छोटी सी क्लिप जो है, वो ये चाहते थे कि ये बनाएं ताकि मैं अपने वीडियो में डाल सकूं और दिखाऊं इनको कि हम दोनों लोग ट्रैवल करते हैं और नाउ हम अब दोनों लोग जो हैं वो दोस्त बन चुके हैं और ये दोस्ती का नाता जो है हमारा और इनका जाएगा कजान तक। और कह रहे कि उसके बाद हम घूमने आएंगे इंडिया, तो मैंने कहा जब भी इंडिया घूमने आओ तो बताओ, और दिल्ली में मैं रहता हूँ और अगर आओगे तो बिल्कुल इंडिया तो अतिथि देवो भव है, आओगे हम जरूर रिसीव करेंगे। तो अभी देखो हमारे भाई साहब जो है उनको स्नान करना है, तो स्नान करने के लिए एक तालाब से लग रहा है, नदी लग रही है, पता नहीं क्या, जहाँ कहीं पे भी है। हम लोग इस रास्ते से जा रहे थे, ये ऊपर दिख रहा है उस रास्ते से, और इनको ये दिख गया तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसमें जो है डुबकी मारनी है। मैं तो नहीं मार रहा यार, मुझे तो गंदा सा पानी लग रहा है, बट ठीक है, इनको एंजॉय करना। हेलो हेलो, बता कौन सा रसी कुपा ये जा रहा है भाई। नॉट कोल्ड, नॉट कोल्ड, नॉट कोल्ड। ये भाई साहब कूदे, ये गए गए गए, ये गए। गुड, ये लो, ये तो इन्हें तो डुबकी मार दी। तो भाई कहीं तो आ गए, इधर देखो, यहाँ हम कुछ खाने वाले हैं, यहाँ पर ये खाने के लिए हमारे लिए पकवान है, और आज मैं इनवाइटेड हूँ इन सर की तरफ से, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या खा सकते हैं। ये सारा तो वो लग रहा है यार, पता नहीं वेज वाला आइटम क्या है, और ये मुझे लगता है बूफे टाइप का है। हाय, तो पता नहीं, यस वेज वेज। कॉक, जूस, यस जूस, यस जूस, यस एप्पल, एप्पल, हाँ ओके। तो जूस हो गया, अच्छा इसको ऐसे ले जाना है ऐसे करके। अब ये पता नहीं ऐसे, बड़े दिनों बाद यार पूरे खाने का अंदाज, खाने का वो लेने जाना, बट क्या करें, ऐसे भी पूरा आइटम तो है नहीं, बट इधर तो सारा चिकन ही है, तो देखते हैं क्या क्या देने जा रहे हैं और खा के देखते हैं। ये कुछ रशियन है, तो ये आ गया है, तो ये कुछ हमारे पास तीन प्लेट्स हैं। ग्रिचका, ग्रिचका फूड ओनली रशिया, ओनली रशिया, ओके। ये सिर्फ रशिया, मतलब ग्रिचका एंड दिस पोटैटो विद मशरूम, ओके, एंड ये ऑरेंज जूस। ये है आज का हमारा डिनर, वो भी है भाई साहब की तरफ से। बड़ा यार कैसे इनका शुक्रिया अदा करूँ, बट शुक्रिया। तो जो है इसको फिनिश करके फिर मिलते हैं। भाई आज का दिन ना कुछ ऐसा हो गया कि जो मैं कभी भूल नहीं सकता। सबसे पहले तो लिफ्ट नहीं मिल रही थी 4 घंटे तक, फिर उसके बाद लिफ्ट मिली। लिफ्ट मिलने के बाद अभी हम एक ऐसी जगह पे, जिन भाई साहब ने हमें लिफ्ट दी है वो एक ऐसी जगह लेके आया जहाँ पे उन्होंने मुझे खाना भी बड़े अच्छे से खिलाया, अपनी तरफ से इन्वाइट किया, और सामने देखो सनसेट है, सनसेट होने जा रहा है, और इधर देखो हमारा एक म्यूजिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। भाई साहब जो है प्ले करते हैं गिटार, तो अभी ये बजाएंगे गिटार और हम लेंगे आनंद। इससे बेहतरीन दिन क्या हो सकता है, अगर आप ट्रैवल करोगे ऐसे हिचहाइकर बन के, तो यही मज़े मिलेंगे, बट कभी कभी स्ट्रेसफुल भी होता है, तो अभी एंजॉय करो। А
чего белоствольные все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листвой так печально кидают. Реальные листья летят под рубахой. रात के बज चुके हैं 9 बज चुके हैं और हम किसी गैस स्टेशन, यहाँ पे बोलते हैं गैस स्टेशन जबकि गैस नहीं डलवाते, डलवाते पेट्रोल ही है, तो वहाँ पर रुके हुए हैं। और अब यहाँ से जो है अब रात होना भी शुरू हो जाएगी क्योंकि 9:15 हो चुके हैं। कैन यू बिलीव दिस बट दिस इज़ रियल। रात को करीबन 11:30 बज चुके हैं और मैं इस कार में और एक अनजान सी जगह पर एक कार जो है हमारे साहब ने रोक दी है। मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या मतलब ऐसे कहीं भी रुकना क्या सेफ़ है, तो बता रहे थे कि सेफ़ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप रुक सकते हैं। बट अब सबसे बड़ी बात आती है कि यार नाइट में हिच हाइकिंग करना सही है, बट मैंने रात में तो स्टार्ट नहीं करी थी, मैंने तो दिन में करी थी। बट क्योंकि ये कजान जा रहे थे तो मैंने सोचा था कजान तो मेरे को जाना ही है तो कजान ही चलते हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरी गट फीलिंग कह रही थी इनको मिलने के बाद कि ये बड़े सज्जन पुरुष हैं, तो मैंने कर ली, अभी भी रास्ते में ही हूँ। बट सही में मतलब ये जो बंदा है वो बड़ा सही है, बात करने से और ट्रीटमेंट से आपको पता चल जाता है कैसा है। तो ये गट फीलिंग होती है, कोई सही कोई गलत कैसा होगा कुछ पता नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से नाइट में हिच हाइकिंग करना वैसे तो सही नहीं है, मैं भी नहीं करूँगा। बट अगर मुझे लिफ्ट अगर 7 बजे तक नहीं मिली होती तो शायद मैं वहीं रुक गया होता। बट जब मुझे लिफ्ट दिन में ही मिल गई थी और जब बात बात करी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे चले जाएँ। तो बस यही रात का जो है अनुभव कुछ ऐसा है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, और अभी आप लोगों ने ये टाइम लैप्स इन्जॉय किया होगा। ये जो टाइम लैप्स मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही अद्भुत जगह से कजान की, और ये सब बिल्कुल पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ हिम, इनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। और देखिए व्यू देखो कजान में, ये व्यू इनको पता था, इन्होंने बोला चलो मैं चलता हूँ वहाँ से दिखाता हूँ। और करीबन 1 घंटे तक हम लोग यहाँ पर सोए हैं और उसके बाद ये कुछ व्यू अब हमें देखने को मिल रहा है। ये यहाँ सनराइज़ हो रहा है, ये वोल्गा रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है रशिया की, जिसके अंदर देखो शिप कंटेनर तक जा सकते हैं, इतनी बड़ी है। और ये इस साइड जो है वो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। वाह क्या अद्भुत और मस्त आज की सुबह हुई है, वाओ नेवर एक्सपेक्टेड। कभी कभी आप कुछ चीज़ें जो है कभी एक्सपेक्ट नहीं करते बट होती हैं वो चीज़ें,
तो आज जैसे कि ये सनराइज जो पता नहीं, जो मुझे भी नहीं पता था होगा ऐसा, बट हो गया। और लगभग कल रात को, कल सुबह 8 बजे निकला था और अभी तक जो है एक तरीके से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। अभी तक कोई हॉस्टल नहीं, कुछ नहीं, कोई आराम नहीं। तो अब जो है सबसे पहला काम है हॉस्टल ढूँढना और फिर उसके बाद इस सिटी को एक्सप्लोर करना। तो जो है मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बहुत मेहनत लगी है और जैसे जैसे करके पहुँचाऊँ कजान।